बट्टा वो गुस्सा हो जाते हैं हमारे लिए, कलर करा हुआ कमरा नहीं है इसलिए बट्टाओं को खुश रखना जरूरी है, निव्या बिगाड़ जाते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आंचल और आज मैं बड़ा खास वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ जिससे आपको अपना बचपन और अपने गांव की याद जरूर आएगी। ये वीडियो पूरा देखिएगा। ये देखिए मेरे पीछे बनस्टियाँ, आज हम खेत में आए हुए हैं। ये देखिए बनस्टी और ये ट्रैक्टर और कुछ खास, ये देखिए इधर 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 सामने कच्चा घर जो अपने गांव की याद दिलाता है ना। आजकल लोगों को देखने को नहीं मिलता, आज मैं खास आपके लिए लेके आई हूँ। ये देखिए हम खेत में आए थे, उधर फसल उगा रखी है, उस साइड में जो है सरसों हैं और उसके इधर जो है कनक। अब खेत की धीरे 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 मेरे को जानकारियां हो रही है, पहले इतनी नहीं थी। ये देखिए मेन गेट पूरा गारे से लिपा हुआ है, पूरा कच्चा घर है। और ये राइट साइड पे मटके रखे हुए, ये खिड़की बनाई हुई इसके अंदर, ये देखिए जिससे पहले अपनी मम्मी और जो थी कनक वगैरह पीसती थी। ये देखिए चक्की, वैसे इसको कहते हैं खाली चलाने लीजिए, मुझे नहीं पता, चक्की। और ये इस साइड पे कमरा, बारिश वगैरह आए तो उसके अंदर जो है इसमें खाना वगैरह बनाने के लिए वो आंटी जी उन्होंने चूल्हा बना रखा है, देखिए कितना सुंदर। पूरा घर कच्चा है एकदम, काफी मजे आते हैं यहाँ पे, जो गोबर की खुशबू आती है जो। ये हमारे आंटी जी बैठे हैं जिनके खेत में हम आज आए हैं, और इस साइड पे आंटी जी और उन्होंने चूल्हे बना रखे हैं डबल डबल, जैसे गैस के चूल्हे होते हैं वैसे आंटी जी ने बना रखे हैं। ये आंटी बड़ा क्यों बनाया है? एक तभी अच्छा, तभी रखने के लिए, वो सब्जी बनाने के लिए। ये तवे ते बनानी है तो उत्थे बना लो, ज्यादा रोटी बनानी ते इत्थे जल्दी बन जांदी। ओ दिहाड़ी वगैरह लगे होते तो ज्यादा बनाने के लिए, असि वैसे ही इस ते बनाने है, थोड़े भी परिवार होवे ना जल्दी बन जाती है, एक बन्ने खाने बैठ जांदे। और ये छोटी सी किचन ओपन, ये हारा, इतना सुंदर लगता है आंटी, ये चीज तो किसी को मिलती ही नहीं। ये देखिए हारा जिसमें दूध गर्म करते हैं, आंटी और उन्होंने अभी मेरे को बताया भी था थोड़ी बहुत कुछ तो। ये आंटी और इधर किचन, बाबू जी काम लगे हुए इधर, ऊपर छत भी देखिए वो कच्ची बनाई हुई। अच्छा है, बड़े मजे आते हैं यहाँ पे घूमने में। ये आंटी ने इधर कलर कर रखा है इस कमरे को, एक को कोई गेस्ट वगैरह आए तो बटाऊ आ जाए तो। ये देखिए, नहीं तो बटाऊ गुस्सा हो जाते हैं हमारे लिए, कलर करा हुआ कमरा नहीं है इसलिए बटाऊ को खुश रखना जरूरी है, निव्या बिगाड़ जाते हो। ये पूरा कच्चा, आज आपको एक चीज और दिखा के लूं, इधर ये रास्ता है पीछे जाने के लिए। अब तो गैस वगैरह चल गई, ये देखो ये आंटी जी का चूल्हा, हारा है ये, कितनी बड़ी देगची रखी हुई इसके ऊपर। यहाँ से ये बनस्टियाँ डालते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, बड़ी इत्ता, और इसमें सारा दिन एकदम गर्म पानी रहता है।
इतना तो अपनी गैस पे ही नहीं होता, गीजर में ही नहीं होता जितना इसमें गर्म पानी रहता है। सही है या गलत है? और ये देखो खुला 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 एकदम ठंडी हवा लगती है, चारों तरफ धूप आती है, तो भी बढ़िया लगती है। और ये है जी घास काटने की मशीन। उत्तर आ जाओ करो, इसको ऐसे चलाते हैं। ये तो थोड़ी बहुत मेरी भी चलाई है, ऐसे चलाते हैं। वहां से घास डालते हैं और इधर से आती है घास और ऐसे करते हैं। ये दो ब्लेडें हैं इसके अंदर, इसको ऐसे चलाते हैं। ऐसी छोटी एक मशीन आती है जिसे सरसों काटते हैं, और ये औजार घास काटने के लिए जिसको बोलते हैं दरांती। आज सब कुछ मेरे साथ सीख लो, मैं खेत में रहना सीख गई। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। ये वीडियो तो मुझे पता है सबको पसंद आना है। ये वापस हम चल रहे हैं, आपको बाहर का रास्ता दिखाती हूँ। ये देखिए वापस बाहर चलते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना उसके शेयर कीजिएगा, खूब खूब शेयर कीजिएगा। और जो मेरे नए दोस्त हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।